Hi guys, welcome back to my channel. This is Ira and today I am 38 weeks pregnant. So this is my third trimester और मैं कुछ चीजें share करूंगी जिसने third trimester में मुझे काफी help किया है. इनमें से कुछ चीजें ऐसा हो सकती हैं जो आपको help करे, कुछ चीजें ऐसा हो सकती है जो आपको जरूरत ना लगे, तो आप pick and choose कर सकते हैं. But I think most of the things are really, really, really helpful. So without further ado, let's get started. So the first thing is a maternity support belt. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. कुछ लोगों को हो सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में ज़रूरत पड़े, बट मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली व्हेन यू आर वॉकिंग. क्योंकि कभी कभार जब बिना सपोर्ट के हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या फिर बहुत वॉक करते हैं, तो एक तो बेली को सपोर्ट नहीं होता है. कभी कभार रेयरली कुछ लोग जिनकी मसल्स वीक होती हैं तो हर्निया के चांसेस होते हैं, लेकिन टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. प्लीज कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि हर इंसान की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है. फीटल डेवलपमेंट, प्लेसेंटा पोजिशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग अलग होती हैं सबके लिए. तो आप हमेशा जब भी खरीदें अपने डॉक्टर से पूछें. बेनिफिट्स डेफिनेटली इसके बहुत हैं, क्योंकि बैक पेन होता है तो बैक में सपोर्ट रहता है और ये 3 पीस में आती है. तो मैंने इसको इस तरह से ऑर्डर किया है कि मैं इसको पोस्टमार्टम भी पहन सकती हूँ फॉर जब आप अपनी टमी को सपोर्ट देना चाहते हैं. तो ये पीस ऐसे बैक में जाता है एंड दिस गोज अंडर द बेली. बेली को प्रेस नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अंडर द बेली टू सपोर्ट द बेली. और फिर ये स्ट्रैप शुरू में मुझे मतलब 7th-8th month में मुझे ऊपर वाले स्ट्रैप की जरूरत नहीं पड़ती, बट आई थिंक 9th month में व्हेन द बेली इज रियली डिफाइंड, तो ये ऊपर वाला स्ट्रैप ऐसे बेली को पूरा सिक्योर कर देता है और फिर वॉक करने में काफी आसानी रहती है. सो दिस इज वन नंबर वन रिकमेंडेशन, बट ऑलवेज चेक विद योर गायनेकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेच मार्क ऑयल्स. तो पहले मैं ये वाला यूज कर रही थी एंड अभी ये वाला. सो मैं एक 3-4-5 ऑयल्स के कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और मैं एक वीडियो बना दूंगी. तो मैंने सारे ऑयल्स की अब्जॉर्प्शन स्टडी की और मैंने देखा है कि कौन से ऑयल्स ज्यादा जल्दी सीप इन करते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्ट्रेच मार्क्स में. आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली बहुत हद तक अवॉइडेबल है इफ यू स्टार्ट लुब्रिकेटिंग राइट टाइम पे. तो उसके लिए आपको 3-4 चीजें हैं, जैसे ऑयल्स लगा सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, और हाइड्रेटेड रखिए अपने आपको, खूब पानी पीजिए. दीज आर द वंस दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस मैटरनिटी पैंटी. तो ये मैंने 3-4 कलर्स में ऑर्डर करी है, बट आई वुड रिकमेंड आप डार्क कलर्स में करिए, बिकॉज जब आप ऑयल लगाते हैं तो उसका कलर थोड़ा डिसकलरेशन होता है. सो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इधर एक बटन है, आप इस बटन को लूज और टाइट करके इसकी इलास्टिक को अपनी बेली के बढ़ती हुई बेली के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. और इसमें ये एक पाउच टाइप का है जो एक्सटेंड होता रहता है अलोंग विद योर बेली. सो दिस वन इज रियली कंफर्टेबल और इसको आप आई थिंक थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट, इवन सेकेंड ट्राइमेस्टर से भी पहन सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इज बीइंग कंफर्टेबल. तो दिस इज नंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग. और इसी के साथ आई थिंक इनर वेयर में एक कंफर्टेबल ब्रा होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अ लिटिल बिट ऑफ योर ब्रेस्ट्स आल्सो एक्सपैंड ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर. सो दोस टू आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज पैंटी लाइनर्स. दीज आर वेरी थिन स्मॉल पैड्स. तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी कभार आपको इसकी जरूरत हो सकती है, स्पेशली व्हेन यू आर कॉफिंग, स्नीजिंग, और इफ यू आर गोइंग आउट ऑन अ लॉन्ग वॉक. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड यू कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड विद, अगर आपके पास राइट चीजें हैं तो. सो नेक्स्ट इज अ हीटिंग पैड. मेरे पास दो हैं, एक तो ये जेल हीटिंग पैड है जो इस इलेक्ट्रिक डिवाइस से हीट हो जाता है और ये इस क्लॉथ कवर के साथ आता है, तो आपकी स्किन पे डायरेक्टली नहीं लगता. इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर आप रात में बैक पेन हो रहा है और रात में 3 बज रहे हैं तो आपको जाना नहीं पड़ेगा पानी गर्म करने के लिए और मैन्युअली फिल करने के लिए. आप जहां हैं, अगर ये आपके पास है, आप वहीं पे प्लग करके इसको यूज कर सकते हैं. एंड अनदर वन इज दिस वन. ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो इसके साथ एक क्लॉथ अलग से आया हुआ था ऑलरेडी. ये बेसिकली वही ट्रेडिशनल हीटिंग बैग्स होते हैं जिनमें पानी भर के गर्म आप यूज कर सकते हैं. तो पहले मैं यूज कर रही थी ये वाला, बट उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टायर्डनेस होने लगी तो मुझे, और रात में काफी बैक पेन होता था, तो आई स्विच टू दिस वन.
टॉकिंग अबाउट पेन, तो पैरों में भी काफी दर्द होता है, स्पेशली काफ मसल्स में. तो काफी लोग कंप्रेशन सॉक्स वगैरह यूज करते हैं, बट वो मैंने यूज नहीं किए हैं. अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं उनको, बट मेरे पास ऑलरेडी ये थे जो मैं कभी कभी वर्कआउट में पहनती थी नी सपोर्ट के लिए. ये मैं अपने काफ पे पहनती हूँ, बहुत ज्यादा देर तक नहीं पहनना है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सब प्रेस होता है. लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है तो आप इसको थोड़ी देर तक पहन सकते हैं और काफी ज्यादा आराम मिलता है, क्योंकि जो वो मसल्स होती हैं उसको जो वो दबाता है तो आपको ऐसा लगता है कि somebody is pressing your feet और it is very very relaxed. Next is a pregnancy pillow. तो ये मेरी यू शेप की पिल्लो है. इसको लेके बहुत सारे लोगों के बहुत मिक्स्ड व्यूज होते हैं. स्पेशली मेरी प्रेगनेंसी सर्दी में थी तो मुझे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इसके साथ. अगर गर्मी में होती तो हाँ, मुझे पसंद नहीं आता कि शायद ये एक मोटी सी पिल्लो मुझे चारों तरफ से घेरे है, बिकॉज ऑलरेडी प्रेगनेंसी में आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, बहुत गर्मी भी लगती है. लेकिन सिंस मैं इस प्रेगनेंसी सर्दी में थी तो मैंने दिस हेल्प मी, और मैंने सोचा है कि ये मुझे आगे भी हेल्प करेगी. लाइक ब्रेस्ट फीडिंग में आप इसको ऐसे रख करके रख सकते हो एंड बैक में पीछे, तो यू कैन लाई द बेबी ऑन दिस. और बाद में भी अगर आपको कभी कहीं एकदम से जाना है एंड बेबी स्लीपिंग ऑन द बेड, तो आप उसको, बेबी को इससे सराउंड कर सकते हो. तो ये एक प्रोटेक्टिव, जैसे मसनद होते थे उसकी तरह एक्ट करेगा राउंड ऑल अराउंड द बेबी. तो उस तरह से दिस इज गुड. हाँ, मैं एक चीज बोलूंगी कि इसमें आप मेक श्योर करिए जब आप प्रेगनेंसी पिलो लीजिए अगर, तो उसको एक चेन के साथ लीजिए, सो दैट आप इसको रिमूव करके इसके कवर को धो सकें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हाइजीनिक रहे और आपको कोई एलर्जीज नहीं होने चाहिए डस्ट गैदरिंग की वजह से. और उसका जो मटेरियल हो वो काफी सॉफ्ट हो, क्योंकि इसेंशियली हम इसे सोने के लिए यूज करते हैं और हम सो तभी पाते जब हम कंफर्टेबल हो. तो दिस मटेरियल शुड बी वेरी सॉफ्ट, देयर शुड बी अ चेन ताकि आप इसे धो सके. अच्छा, इस मटर्निटी पिलो में भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, सी शेप के आते हैं, यू शेप के आते हैं. तो मुझे अपने इसको यूजुअली लोग ऐसे यूज करते हैं कि अपना हेड इधर रखते हैं और ये पार्ट नीज के बीच में रखते हैं, लेकिन मैं इसको अपने अलग तरीके से यूज करती हूँ. मुझे अपनी गर्दन के नीचे बहुत हाई पिल्लो नहीं पसंद है, वो मुझे अनकंफर्टेबल कर देती है, फिर मुझे इसका यूज से ज्यादा हार्म हो जाएगा. तो मैं अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल सॉफ्ट पिल्लो रखती हूँ और इस पार्ट को मैं अपने लेग्स के नीचे रखती हूँ, तो वहां पे मेरे लेग्स रेज हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में अगर आप अपने लेग्स रेज करके रख सके. और ये वाला पोर्शन नीज के बीच में रखती हूँ. सो दैट इज हाउ मैंने इसको थोड़ा ट्वीक किया है, बट इट इज द सेम थिंग दैट आई यूज. हाँ, मैं इसको डेली यूज नहीं करती हूँ, कभी कभार मुझे बहुत फिजिटी फील होता है तो मैं नहीं यूज करती हूँ, बट देयर हैव बीन टाइम्स सर्टेनली जब इसने मुझे हेल्प किया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कम्फर्टेबल फुटवेयर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फुटवेयर कम्फर्टेबल हो और एंटी स्किड हो, उसके पीछे जो जो ग्रूव्स हो वो काफी अच्छे हो, क्योंकि कभी कभार चूंकि साइज बढ़ जाता है और आपको नीचे एग्जैक्टली दिखता नहीं है, तो जो आपके रेगुलर स्लीपर्स हैं अगर वो थोड़े स्लिपरी या स्किड कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्विच करें कम्फर्टेबल एंड बहुत अच्छे एंटी स्किड फुटवेयर में, जो कि थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो, क्योंकि पैर भी थोड़े सूज जाते हैं, तो अगर टाइट होंगे तो फिर वो बाइट्स कॉज करेगा और उससे भी आपको दिक्कत होगी. तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ बर्थ बॉल. तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. हाँ, अगर आप यूज टू नहीं है, मैं पहले से भी वर्कआउट करती थी तो मेरी बॉडी थोड़ी यूज टू है. अगर आप यूज टू नहीं है तो अनगाइडेड और अनमॉनिटर्ड या बिना किसी के प्रेजेंस में इस पे ना बैठें, बट मैं इस पे अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर पाती हूँ, बिकॉज टेल बोन में दर्द होता है किसी हार्ड सर्फेस पे बहुत देर तक बैठने में. तो जब हम इस पे बैठते हैं तो ये एक कंप्रेशन प्रोवाइड करती है और आप आराम से थोड़ा सिंक इन कर सकते हो. तो वैसे भी कंफर्टेबल है और लेबर के लिए भी इट्स वेरी कंफर्टेबल. अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए एम कर रहे हैं तो इस पे कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप गूगल कर सकते हैं और ऑब्वियसली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो एक्सरसाइजेस करें. बट अदरवाइज इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम में भी और अदरवाइज ऑल्सो भी ये बॉल आपको काफी हेल्प करेगी फॉर ऑल द डिफरेंट वर्कआउट्स, स्पेशली बैक पेन के लिए. इट्स सच अ गुड थिंग. नेक्स्ट इज अ स्मॉल स्टूल. तो ये तो खरीदने की जरूरत नहीं है, सभी के घर में होता ही है. ये मैं इसलिए रिकमेंड करूंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनकी डेस्क जॉब्स हैं और काफी देर काम करना होता है, या फिर अगर आपको अदरवाइज भी बैठना होता है किसी भी चीज के लिए, तो आप थोड़ा अपना लेग रेज करके रखेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. इडेमा हो जाता है, पैर सूज जाते हैं, तो उसमें फ्लूइड रिटेंशन होता है. तो अगर आप अपने पैरों को थोड़ा सा एलिवेट करके रखेंगे, वैसे भी हमें पैर हैंग करके बैठना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में,
तो एक छोटा स्टूल काफी हेल्प करता है इन सब चीजों के लिए. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हैविंग सम मैटरनिटी क्लोथ्स. अगर आपको घर में रहना है तो भी कॉटन के और जो काफी सॉफ्ट हो आपकी स्किन पे, मे बी उतने एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि स्पेशली अगर आपको मोस्टली घर पे ही रहना है तो उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको बाहर जाना है और मीटिंग्स अटेंड करनी है या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ भी, अगर आपको इफ यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो उस हिसाब से आई थिंक थर्ड ट्राइमेस्टर इज द टाइम व्हेन यू विल नीड सम और द अदर मैटरनिटी क्लोथ्स. तो वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बट थोड़े बहुत. और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने मैटरनिटी क्लोथ्स ऐसे खरीदें कि वो नर्सिंग के लिए भी हेल्प करें. तो जैसे मैंने अभी ये टॉप पहन रखा है, इट्स अ रैप टॉप, तो ये मेरे मटर्निटी में भी काम आएगा क्योंकि थोड़ा सा ओवरसाइज्ड है, एंड देन मैं इसे नर्सिंग में भी आराम से यूज कर सकती हूँ. तो आप ऐसे सोच के भी कपड़े ले सकते हैं और जो आपके दोनों टाइम हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ बिग वाटर बॉटल. तो ये तो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही इम्पॉर्टेंट है. मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वीडियो में भी ये बात मेंशन करी थी, मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी. तो क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड आप बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हो, लिप्स चैप्ड रहते हैं, और पर्सनली मैं पानी पीना भूल जाती हूँ. तो मैंने इससे मुझे ट्रैक रहता है कि मैंने कितना पानी पिया है. ये रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो पिए ही पिए, और उससे ज्यादा भी जरूरी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, बहुत गर्मी है, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन या फिर बॉडी टाइप कैसी है. तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 जगहों पे, बेडरूम में, अपने वर्क रूम में, लिविंग रूम में, अपने लिए कुछ बॉटल्स भर के रख दें. तो उससे आपको ट्रैक रहेगा कि आपने कितना पानी पिया है. इस पे मैं कितना भी एम्फेसाइज करूं वो कम है, बिकॉज पानी हर चीज सही रखता है. बेबी के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड पानी से बनता है, बेबी भी कंफर्टेबल रहता है, आपके लिए भी कॉन्स्टिपेशन और कोई भी ऐसी चीजों की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, एंड यू फील बेटर. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ हॉस्पिटल बैग, क्योंकि अब तो बेबी एनी टाइम ड्यू है और कभी भी आ सकता है. तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपना हॉस्पिटल बैग तैयार रखें, क्योंकि कभी भी जाना पड़ सकता है. तो दिस इज माई हॉस्पिटल बैग. इसके अंदर क्या क्या है ये मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, और अगर लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी ऐसी मैटरनिटी रिलेटेड, अपनी रिसर्च रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी. टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैव अ सेफ प्रेगनेंसी, सेफ डिलीवरी, टेक केयर.